अपना ये आलीशान घर छोड़ के तुम्हारे साथ उस दो कमरों के घटिया मकान में जाकर अपनी जिंदगी गुजार दें। रुक जाओ वहीं पे। खबरदार जो दहलीज के अंदर कदम रखा। सोचें फैसलों को कमजोर कर देती हैं रहमान, और हम फैसला कर चुके हैं। आपकी खामोशी का मतलब आपका इकरार है। लेट्स गो। क्या हो गया तुम लोगों को? भाई हो एक दूसरे के, एक बाप की औलाद हो। तुम लोग होश में आओ, होश में। आप ऐसा मत कीजिए बेगम साहबा, मैं एक बेटी का बाप हूँ, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। मैं आपके गुरूर, आपकी खुद गर्जी और अनाप परस्ती को देख के आपको सिर्फ एक हकीकत से आशना करना चाहूंगी। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। तो तुम क्या हया से शादी करना चाहते हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारी नजर में ये दो टके की लड़की तुम्हारी भाभी और इस खानदान की बहू बन चुकी है। बहू? नो, नो। अब्दुल, वो चाहत ही क्या जिसमें तड़प ना हो, और वो रिश्ते ही क्या जो जुदाइयों से खत्म हो जाए। दानिश रहमान डरने का नहीं बल्कि डराने का काहिल है। आग लगाना तुम्हारी फितरत का हिस्सा है। ये दुनिया बहुत छोटी है, और इस छोटी सी दुनिया में बड़े बड़े लोगों का आमना सामना तो होता है। हम जानते हैं कि तुम्हारे ये बढ़ते हुए कदम दानिश को अपने साथ ले जाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आधी जायदाद हथियाने के लिए बढ़ रहे हैं, ताकि तुम अमीर बनकर हमें नीचा दिखा सको। हमें उस हैसियत से जब मेरा सारा बचपन एक बाप के होते हुए यतीमों की तरह गुजरा, या उस हैसियत से जब मैंने आपको मिस किया, महसूस किया, लेकिन उस वक्त सिवाय इस अजीम हस्ती के किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। बेटा, हमेशा ऐसा नहीं होता।
कि इंसान जो चाहे जो सोचे वो पूरा भी हो जाए। आज तो हम पे जुल्म की इंतहा हो गई, अब तक तो सभी हमारे दुश्मन थे, आज आज अब्दुल भी। लेकिन मैंने अपनी मोहब्बत को उसकी मोहब्बत के सामने कुर्बान कर दिया। कितनी बेहिस हो के सारी जिंदगी खुद को हया कहती आई, मगर हया का मतलब ही ना जान पाई, फिर भी डंके की चोट पर कहती आई हो कि आई एम द बेस्ट। ये द बेस्ट हो तुम, शो स्वीट तुम्हारे मुंह से हर जुमले के साथ निकलता है, अगर मिठास तो कभी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रही। आज मुझे आपकी बेटी होने पे शर्मिंदगी हो रही है, शर्मिंदगी बाबा। क्या मिला तुम्हें अपना खुशी मेरा घर उजाड़कर? और अगर यही सवाल हम तुमसे पूछें तो इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद तुम्हारे हम में कोई खम नहीं है फैसा। आपने बहुत कुछ कह दिया, अब मेरी भी सुन ले कि मेरे नान का इंसाफ सिर्फ अल्लाह नहीं करेगा। क्या करती, बदले की आग में बहक गई थी मैं, मुझे माफ कर दो। I love you, Haya. I love you.